जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें, आवाज़ आ रही है मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? याउज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? अपना माइक बंद कर लें। तमाम स्टूडेंट्स अपना माइक बंद करें। अच्छा, औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने एक्सप्रेस जेएस स्टार्ट करना है। एक्सप्रेस जेएस से पहले कीप क्वाइट फिजिकल स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस जेएस से पहले मैंने आपसे कुछ चीज़ें पूछी थी लाइक रिएक्ट जेएस के हवाले से। तो रिएक्ट जेएस में मुझे अभी तक कोई कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा कि आप लोगों ने रिविजन नहीं की, घर जाके पढ़ाई नहीं की, या जो भी आपके इश्यूज थे। तो मैं क्विकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ रिएक्ट जीएस का, और मंडे वाले दिन करंट जो कमिंग मंडे है इसमें आपका क्विज होगा, रिएक्ट जीएस के हवाले से क्विज होगा, उसकी आपने तैयारी कर देनी है। और एक्सप्रेस जीएस को मैं आज थोड़ा सा स्टार्ट करवा रहा हूँ, बल्कि लास्ट लेक्चर हमारा एक्सप्रेस जीएस के ऊपर था और वो ऑलरेडी स्टार्ट हम कर चुके हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, आधे घंटे का लेक्चर या 15 मिनट का लेक्चर दूंगा आपको रिएक्ट जीएस के ऊपर, और एक्सप्रेस जीएस को हम दोबारा से कोशिश करेंगे पढ़ने की। ये लास्ट लेक्चर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आज हम ओवरव्यू करेंगे मजीद। आज काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ज्वाइन किया, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, मुझे थोड़ी सी ये मायूसी हुई है कि जब मैंने आज आके क्विज लिया रिएक्ट जीएस का बेसिक सा, या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पूछी है, तो आप लोग बिल्कुल फ्रेश थे। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अभी एक्सप्रेस जीएस के दौरान ही हमने क्या करना है, हमने रिएक्ट जीएस को एक्सप्रेस जीएस को मर्ज करना है। फ्रंट एंड हम रिएक्ट जीएस पे बनाएंगे और बैक एंड हम एक्सप्रेस जीएस पे बनाएंगे। बट अगर आपको रिएक्ट जीएस भूल चुकी है तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लें, लास्ट चांस मैं दे रहा हूँ। ये जो बीच में छुट्टियां आ रही हैं और ये पूरा वीक आपके पास अवेलेबल है, आप घर जाके इसकी अच्छी तरीके से रिएक्ट जीएस की तैयारी कर लें। नेक्स्ट मंडे आप लोगों ने क्या करना है, एक क्विज मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पर आने से पहले। ये क्विज है, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ये W3 स्कूल का क्विज है, स्टार्ट द रिएक्ट क्यूज क्विज, और इसके अंदर आपको जितने भी ट्यूटोरियल में कंटेंट हमने पढ़ा था उसका एक क्विज आपने देना है यहाँ पर, और उसकी स्क्रीनशॉट जो है मुझे आपने शेयर करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट बनाने जा रहा हूँ। ये लिंक मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है, इस लिंक को आपने क्लिक करना है और If you're a web designer, here are four Wix Studio features you gotta know. ये आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा जी, इसमें यूज कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। अभी हम इसको इस तरह करते हैं, एक वार्निंग आ गई है, यूज कॉन्टेक्स्ट हम यूज नहीं कर रहे, राइट। अच्छा, जब भी एरर आए आप लोगों ने ना इसके सोर्स में देख लेना है या नेटवर्क में देख लेना। Mic is not charged. Mic is not charged. हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। ओके, माइक बंद कर दें। चलो जी जी, बात हो रही थी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन रन करनी देखी थी। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं स्क्रैच से आप लोगों को एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट करवा देता हूँ, अदरवाइज चलें बेहतर है कि मैं आपको स्टार्ट से स्क्रैच से शुरू करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं, हमारे पास एक फोल्डर है मंस्टैक का, दिस वन, और यहाँ पे एक एक्सप्रेस का फोल्डर था, ठीक है। मैं एक्सप्रेस के फोल्डर में यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ एक्सप्रेस ऐप, और इस फोल्डर को मैं वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं एक न्यू फोल्डर ओपन कर लेता हूँ एज यूजुअल, एक्सप्रेस ऐप,
ये हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक एप्लीकेशन बन गई। यार आप सीधे होके बैठे, सीधे होके बैठे। अच्छा यहाँ पे अब हमने एक बिल्कुल एक एप्लीकेशन बनानी है स्क्रैच से। असल में एक्सप्रेस जीएस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं हम? बैकएंड के लिए। तो एक्सप्रेस को हम इसको बैकएंड भी कह सकते हैं। तो बैकएंड के लिए हम यहाँ पर एक इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और हम स्क्रैच से सारी चीजें करते हैं। नहीं अभी मैं उस पर नहीं आया, ठीक है। अभी तो जस्ट एक सिंपल हमने इंडेक्स फाइल चलाई है, अभी वो तो स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं मैंने। ले आपकी बात भी दुरुस्त है, मैं इसको अगर डिलीट भी कर दूं तो हम वो पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अभी मैं पूरा पूरे प्रोजेक्ट की तरफ नहीं आया, अब हम एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। आवाज आ रही? अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेस जनरेटर की मदद लेनी पड़ेगी। व्हाट इज एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर? दिस इज टू यूज टू जनरेट द एप्लीकेशन टूल। इट इज एप्लीकेशन जनरेटर टूल तो क्विकली क्रिएट एन एप्लीकेशन स्केलेटन। तो अगर हम एप्लीकेशन का पूरा स्केलेटन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनपीएक्स एक्सप्रेस जनरेटर जो है वो कॉन्फ़िगर रन करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लोज कर लिया कंट्रोल सी प्रेस करने पर, और देन आई विल कॉपी इट और एनपीएक्स एक्सप्रेस जनरेटर ये इंस्टॉल हो रहा है। द डिफॉल्ट व्यू इंजन विल नॉट बी जेड इन फ्यूचर रिलीज, यूज व्यू जेड और हेल्प एडिशन। खैर ये इंस्टॉल हो गया, वो वार्निंग आई थी, वार्निंग की खैर है। अच्छा ये तरीका पहले के वर्जन में होता था, जो अभी मौजूदा तरीका है वो ये है। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो एक्सप्रेस ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे, स्ट्रक्चर इसमें इंस्टॉल करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर इसमें इंस्टॉल करेंगे। हेलो 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 इसकी चार्जिंग करें। आवाज आ रही है? आगे बस ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि बेसिकली वो कह रहा था कि डेस्टिनेशन इज नॉट एम्प्टी, सारी बात है वहां पर इंडेक्स फाइल पड़ी हुई थी। तो कंटिन्यू, मैंने कहा जी कंटिन्यू, और उसने उसके बाद ये एक पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। हम सेट डीबग यानी ऐप को रन करने के लिए आप क्या करोगे, डीबग करोगे। सेट डीबग इज इक्वल टू एक्सप्रेस ऐप और एनपीएम स्टार्ट कर दोगे। चले हम इसको सिंपली एनपीएम स्टार्ट करके देखते हैं। हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन में आते हैं। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन रेज हो गई है, इंटरनल मॉड्यूल सी जी एस लोडर और कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कुकी पार्सर। इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व करते हैं मीनवाइल। और इसका सलूशन देख लेते हैं। इसका सलूशन ये बताया जा रहा है कि आप npm इंस्टॉल करें और आपकी जो बाकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लेट इट चेक कि ये इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो रिजॉल्व होती हैं कि नहीं होती। उसके बाद npm ऑडिट फिक्स माइनस कोर्स।
एक्सप्रेस जीएस जो आपका रन हो चुका हुआ है, यहाँ पे आप जरा नोट कर लें कि अगर आपकी कोई डिपेंडेंसीज वगैरह का एरर आ रहा होता है तो उसमें आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेनी है वेरी इजी। डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है कि आपने क्या करना है, एनपीएम इंस्टॉल कर लेना है। तो एनपीएम इंस्टॉल करोगे तो आपकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद एनपीएम स्टार्ट दोबारा करोगे तो आपका उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन चल जाएगी। तो ये हमारी बेसिक एक एप्लीकेशन रन हो गई है विद एक्सप्रेस जनरेटर। ये हमारा एक्सप्रेस जनरेटर एक सेटअप हमने किया जिसकी वजह से हमारी ये एप्लीकेशन यानी ये डायरेक्टरीज क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर आप डीबगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और विदाउट डीबगिंग भी कर सकते हैं। डीबगिंग ये होती है कि आपका जो है वो स्टॉप हो जाता है प्रोसेस, और जब उस पर प्ले पे क्लिक करते हो तो फिर चलता है। तो अभी हम डीबगिंग के बगैर कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको बेसिक स्टार्ट करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है npm जो एक्सप्रेस जेएस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है। तो इसको समझने के लिए आपने राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई है यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर कुछ राउटर्स हमने मॉडिफाई कर लिए। अब ये चलता कैसे पूरा प्रोसेस मैं इसको चला के दिखाता हूँ। अगर आप देखें जो इसका जनरेटर ऐप था उसने क्या क्या कोड लिखा है ये जरा समझ लें। इसका फायदा क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपको रन करने की एक्सप्रेस का पूरा स्ट्रक्चर बनाने की उसकी नहीं होती। मिसाल के तौर पर सबसे डिफॉल्ट पेज जो रन होता है वो कौन सा होता है, app.js। ये app.js आपका एक्सपोर्ट हो गया। और ये जो आपने एक्सप्रेस ऐप बनाई है ये एक आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके डिफरेंट किस्म के मिडलवेयर यूज हो रहे हैं। अगर आप देखें इस टाइम एक्सप्रेस के नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी जो एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को कॉल कर रहा है ये ऐप। उस ऐप के रेफरेंस से आप क्या क्या काम कर रहे हो, आप व्यूज सेट कर रहे हो, उस व्यू की डायरेक्टरी सेट कर रहे हो। अच्छा, ये लाइन जरा समझे, ये आपको ये बता रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल आपने सेट कर लिया है। ऐप डॉट सेट का मतलब क्या होता है कि रन ग्लोबल लेवल पे आप वेरिएबल सेट कर लेते हैं जैसे व्यूज। तो ये व्यूज की जो डायरेक्टरी है वो यहां पर सेट हो गई। जी कौन, हाँ इंटर्न बुक नहीं। अच्छा, उसके बाद ऐप डॉट सेट व्यू इंजन, हमारा जो इसमें इंजन है व्यू का वो जेड के नाम से है। जेड बेसिकली टेम्पलेट इंजन है। अगर आप देखो तो व्यू के अंदर यहां पर एक्सटेंशन आपको मुख्तलिफ किस्म की मिल रही है, ठीक है, और उनके अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। जैसे आप देखें एक लेआउट को हमने एक्सटेंड किया और लेआउट के अंदर हमने एक ब्लॉक कंटेंट रेडी करके उसमें हमने दो एलिमेंट्स डाल दिए, और मेन इसमें कौन सा हमने डाल दिया, लेआउट डॉट जेड। और लेआउट के अंदर हमने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर डाला, हेड का स्ट्रक्चर डाला, हेड के अंदर टाइटल और लिंक दो हमने डाले, और बॉडी के अंदर हमने पूरा ब्लॉक कंटेंट उठा के डाल दिया। यानी ये जो इंडेक्स के अंदर ब्लॉक कंटेंट जहां जहां भी इंडेक्स के अंदर आएगा, जहां जहां भी आएगा वो इस लेआउट के अंदर अपेंड होता जाएगा ब्लॉक कंटेंट। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब हम बात कर लेते हैं राउट्स की। तो हम यहाँ पर जितने मर्जी राउट्स बनाते जाएं उसके लिए हमें क्या तरीकाकार करना पड़ेगा कि एक एक्सप्रेस की लाइब्रेरी रिक्वायर कर लोगे और एक राउटर की लाइब्रेरी रिक्वायर कर लोगे। ये दो लाइब्रेरीज हमारे पास बन गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि गेट URL के अगेंस्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स में ये चीज रेंडर होती है। यही वजह है कि यहाँ पर res.render है। और अगर आपने सिर्फ प्रिंट कराना है, रिस्पॉन्ड करना है, आपने रेंडर नहीं करवाना, तो फिर res.send आएगा। बाकी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जितने मर्जी यहाँ पर राउटर बनाते जाए। मिसाल के तौर पर यूजर्स का राउटर है, इंडेक्स का राउटर है, ये मल्टीपल राउटर आपके बनते जा रहे हैं। यानी जब गेट रिक्वेस्ट आएगी और इंडेक्स लोड हो जाएगा, गेट रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पांस में यूजर्स लोड हो जाए। अच्छा, इन दोनों में अगर आप लोड करें तो ये जो आपका राउटर है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये आपकी ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये यूजर राउटर इंपोर्ट हो गया रिक्वायर, और ये इंडेक्स राउटर रिक्वायर हो गया। अब अगर आप यहां पर देखें कि अगर हम इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो स्लैश डालेंगे, ये वाली लाइन समझे 22 एंड 23 स्लैश डालेंगे तो आप इस राउटर पे चले जाएंगे
इंडेक्स राउटर पर, और इंडेक्स राउटर एक्चुअली क्या है, इंडेक्स राउटर राउटर्स के अंदर इंडेक्स फाइल है और कुछ भी नहीं है। और अगर उस दोबारा इंडेक्स फाइल में जाएं तो बेसिकली वो रेंडर करवा रहा है इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज असल में हमारा इंडेक्स ये वाला पेज है जो लेआउट के अंदर लोड हो रहा है। दैट्स इट, ये सारी स्टोरी है। अब मैं आपको app.js के अंदर ये जो हमारे दो राउटर्स जनरेट हो गए हैं ये बेसिकली URL मैपिंग है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एप्लीकेशन चल रही है स्लैश, हमारे पास स्लैश का मतलब था रूट पेज, जैसे मैंने स्लैश किया एंटर किया तो हमारे रूट पेज के ऊपर लॉगिन हो गया। और अगर मैं इसको यूजर्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो स्लैश यूजर्स, तो वो हमें रूट पेज यूजर्स राउटर की मदद से सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स पे ले जाएगा। और ये भी किसमें डिफाइन हुआ हुआ है, यूजर राउटर के थ्रू राउटर्स वाले पेज के ऊपर, वेरी सिंपल। इसी तरह आप यहां पर जितने मर्जी राउटर्स बनाते जाए, और चाहे उसको आप लेआउट के अंदर रखें या लेआउट से बाहर रखें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एक बनाता हूं अबाउट अस, अबाउट अस का मैं राउटर बनाने जा रहा हूं और मैं इसका नाम रख रहा हूं अबाउट अस राउटर। ये नाम है कोई भी आप रख सकते हैं, और अबाउट आउट राउटर को आप यूज कर लोगे। और जब आप इसको यूज करोगे तो इसका कोई कोई ना कोई यूआरएल, यानी आपने इसकी यूआरएल मैपिंग करनी है। ये यूआरएल मैपिंग इस तरह से है अबाउट अस। चूंकि हमने इसमें कहा कि राउटर्स के अंदर अबाउट अस का पेज है, तो हम यहां पर राउटर के अंदर आएंगे और यहां पर एक न्यू फाइल बना लेंगे अबाउट अस डॉट js। और लेट्स से चूंकि हमने ये लेआउट के मुताबिक सारा काम करना है तो अबाउट अस डॉट js में हम लेआउट के मुताबिक सारा काम करेंगे। फाइल बनाएंगे हम अबाउट अस के नाम से, मैंने फाइल बना ली और हमारा जो URL है वो गेट इसी तरह से होगा क्योंकि वो हम उसके साथ मैप कर रहे हैं ऐप के अंदर। और यहाँ पे व्यू में हम एक व्यू ऐड कर लेंगे, उसका नाम है जो हमने यहाँ पे सेट किया है रेंडरिंग करवाने के लिए अबाउट अस डॉट जेड। और अबाउट अस डॉट जेड के अंदर मैंने कौन सा कॉन्टेंट डालना है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हेडिंग में कह देते हैं अबाउट अस। अब दोबारा मैं app.js में आता हूं, अगर आप app.js में आए तो हमारे पास जो URL की मैपिंग हुई हुई है app.use की मदद से वो अबाउट अस राउटर के साथ हुई हुई है। और अबाउट अस राउटर किस पेज की तरफ रिडायरेक्ट करवा रहा है, किस राउट की तरफ करवा रहा है, राउटर्स के अंदर अबाउट अस। तो मैं राउटर्स के अंदर अबाउट अस आ जाता हूं ये, और यहां पे हमारे पास रेंडरिंग हो रही है अबाउट अस के व्यू के ऊपर। और यहां पे मुझे राउटर का एक्सपोर्ट मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, वो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया राउटर का मॉड्यूल। तो अब ये हमारे पास रेडी हो चुका है, हम दोबारा app.js के अंदर आएंगे और अबाउट अस को रन करके देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर है, एनयू एरर आते रहते हैं, मकसद ये होता है कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, वजह ये है कि हमें इसको रन करना है। स्पेलिंग नहीं सही लिखे सर आपने। अच्छा, ये नॉट बाउंड की भी हमें जरूरत पड़ेगी, बट मैंने चूंकि सारा काम किया दोबारा सर्वर साइड पर तो इसको मैं दोबारा कंपाइल कर लेता हूं। जी किस अबाउट के अंदर कोड नहीं लिखा है, जी बताइएगा कहाँ नहीं कोड लिखा। अच्छा अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं सर, ये ऊपर आपने स्पेलिंग नहीं सही लिखे राउटर के। यहाँ पे कहीं मैंने
नहीं, राउटर की स्पेलिंग गलत है, ABOUT। यहाँ पर खैर कोई भी नाम रख सकते हैं, एनी हो, मैंने यहाँ पर जो भी नाम डिफाइन किया है वो मैं यहाँ पर रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे देख लें राउट स्लैश अबाउट अस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये थोड़ा कीबोर्ड तंग कर रहा है मुझे। अच्छा, ये जो राउट्स के अंदर मैंने फाइल बनाई है, मैं यहाँ पर सेम नेम से राउट्स के अंदर जाके दोबारा मैं इसको रीनेम करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सही है। और इसको मैंने ठीक कर दिया। अच्छा देखे ना, यहाँ पे भी गलती है, इसको भी मैं रीनेम कर रहा हूँ। हाँ, ये कीबोर्ड में ना ओ को वो स्किप कर रहा है, ये अबाउट अस जीएस बन गया। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको, जी ये चल गई। ठीक है, कोई इशू नहीं। वो कह रहा है टाइटल वेलकम टू दिस वन अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड टाइटल। ठीक है, अबाउट अस में आता हूँ। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा एक सर्वर चल जाए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि जब भी आपने कोई वेरिएबल डालना है तो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना है। चले, फर्स्ट हम इसको रन करते हैं विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल ये चल गया। ठीक है, यानी अभी हमने आपके सामने एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर कौन सा हमारा, ये याद रखें कि जब आप app.js के अंदर जाते हो तो ये हमारा एक कंट्रोलर कह लें इसको, ये कंट्रोलर है, ये एक बेसिकली मिडलवेयर है जो कि किसी भी फाइल की एक्सेस करता है। इस वक्त जो हमने फाइल को एक्सेस किया हुआ वो कौन सी फाइल है, राउट्स के अंदर अबाउट अस। तो राउट्स के अंदर जो अबाउट अस है, इस फाइल में हमने क्या किया, इस फाइल में हमने एक्सप्रेस जीएस को कॉल किया और उसके अंदर हमने एक रिक्वेस्ट रिस्पांस बनाया, दिस इज रिक्वेस्ट एंड दिस इज रिस्पांस। रिक्वेस्ट में इसको जैसे एक एक यूआरएल हिट मिलेगा तो उसके रिस्पांस में अबाउट अस के अंदर टाइटल के अंदर एक्सप्रेस भेज देगा। यहां पर मैं टाइटल के अंदर अबाउट अस भेज देता हूं। ठीक है, अबाउट अस, ये मैंने टाइटल में अबाउट अस भेज दिया। और जी उसके बाद जब मैं रेंडर करवा रहा हूं अबाउट अस को, तो यहां पर टाइटल अबाउट अस को जब मैं रेंडर करवा रहा हूं तो यहां पर टाइटल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन app.js में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे यहां पर टाइटल मिलना चाहिए इस जेड के अंदर। मैं इसको डायनामिकली पिक कर रहा हूँ अबाउट अस को। ठीक है, अच्छा अभी मैंने काम किया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मिल गया उसे, इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर टाइटल, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम अपने ब्लेड के अंदर आ जाते हैं। ब्लेड के अंदर टाइटल की स्पेलिंग भी ठीक है और हम अपने अबाउट अस डेट के अंदर एक्सप्रेस इसको लेआउट को एक्सटेंड करवा लेते हैं। ओके, यानी आप एक बात याद रखें कि अगर आपने वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करवाना है आपने किसी भी स्ट्रिंग के साथ, तो उससे पहले आप हैश लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैश। पहले हम क्या गलती कर रहे थे, हेडिंग डाल रहे थे हम, जैसे हेडिंग इस तरह से डाली हेलो, उसके बाद हमने इस तरह से डाल दी, तो हम क्या लगाएंगे, हैश और हेडिंग वन में वो वेरिएबल नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो हम इसको विदाउट
यानी अगर आप इसको इस तरह से लगाते हैं ना, असल में वो असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर यूज करना है, चाहे ऐसे यूज कर लें। अगर आप डायरेक्ट वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो फिर तो ऐसे यूज करेंगे इक्वल लगा के। और अगर आपने इस तरह से करना है तो आप लिखेंगे हेलो हैश साइन और टाइटल उसके अंदर डालेंगे जैसे हमने नीचे यूज किया है। मेरा ख्याल है इसको एरर नहीं देना चाहिए। या तो यानी आप अपने एलिमेंट के अंदर ये याद रखें कि अगर आपने सिर्फ वेरिएबल असाइन करना है तो उसका भी तरीका कार है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक H2 लिखता हूँ, H2 इक्वल्स टू टाइटल, ठीक है, तो ऐसे चल जाएगा ये। और इसको मैं टॉप पे रखूँ, हमने H1 टाइटल पिक किया था। असल में जब हम इंडेंटेशन गलत लगाते हैं तो फिर वो एरर देता है। ये कोई खास मसला नहीं है, छोटा सा मसला था। आपने इसकी इंडेंटेशन गलत नहीं करनी, ब्लॉक के अंदर आपने इंडेंट करके करना है। तो ये दो तरीके हैं, समझ लें। या तो आप डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे डायरेक्ट, या कॉन्केटिनेट करके करेंगे। अगर आपने कॉन्केटिनेशन करनी है तो फिर आप असाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पेस के साथ दे देंगे, ठीक है। और जब भी आपने वेरिएबल यूज करना है टाइटल, तो उसको हैश के साथ करेंगे। अब इस पूरे लाइफ साइकिल को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो हमारा जेड टेम्पलेट इंजन है, ये क्या करता है, ये वेरिएबल जो ग्लोबली सेट हो जाते हैं, ये कहाँ पे सेट होंगे, हमारे राउट्स के अंदर। जैसे राउटर्स के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पर टाइटल सेट किया, मैं कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल सेट कर सकता हूँ, जैसे तो दूसरी ऑप्शन सेट कर सकता हूं नेम हेलो। अब मैंने एक और सेट कर लिया। अब ये जैसे अबाउट अस का पेज लोड होगा, इसके अंदर दो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली टेम्पलेट इंजन में जा चुके होंगे, नेम और टाइटल। तो अब मैं इसके टेम्पलेट इंजन में जाता हूं, यहां पे मैं नेम भी डाल सकता हूं ये इस तरह से। मैं दोबारा देखता हूँ, अबाउट अस के अंदर रेंडर हुआ। अच्छा जी, अबाउट अस डॉट जेएस के अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन डिक्लेयर किए हैं, टाइटल और नेम, और हम अबाउट अस में रेंडर करवा रहे हैं जो कि इसका जेड है। और यहाँ पे नेम मैंने मुझे वैल्यू में मिल जाना चाहिए। ओके, आई डू इट, रन इट अगेन। और इसमें नोटबॉर्न इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जैसे हम चेंजेस करें हमारी एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशंस नजर आ जाए। अच्छा, जब मैंने उसको कंपाइल किया तो वो कुछ एरर दे रहा है, मिडलवेयर फंक्शन बट अ प्लस गेट टाइप फंक्शन। ओके, और फिल वक्त मैं इसको टाइटल सेट कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, हम इसका एक एरर देख लेते हैं और उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। राउटर डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन बट गॉट अ गेट टाइप फंक्शन। ओ, इसमें एक्सपोर्ट नहीं था। नहीं, गलती मिल गई, ये देखें, ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन मिसिंग था, ये किसी वजह से डिलीट हो गया। यानी अब इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। ओके, इट इज रनिंग नाउ, ये रन हो गया। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ रहा है आगे, उसमें ये है कि हमारी कौन सी रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जो कि गेट टाइप की होती है, कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट होती है जो पोस्ट टाइप की होती है, और इनमें डिफरेंस क्या चीज, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली जो हमारी राउटिंग्स हैं, उस ऐप के बाद हम उसमें उसका मेथड लिखते हैं। जैसे अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे अभी आपको बताया कि हमारी रिक्वेस्ट के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, फेच है, ये सारे क्या है, मेथड टाइप्स हैं। तो इन मेथड टाइप्स को आप कहाँ पे यूज करते हो, ऐप के बाद, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट,
ठीक है, आप उसको गेट रिक्वेस्ट भी बना सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पर जैसे भी हमने यहाँ पे जो हमारी एप डॉट जे एस है, उससे हमने कोई यूआरएल मैप किया, मिसाल के तौर पर ये हमने यूआरएल मैप कर लिया एप डॉट यूज, लेकिन जो हमारे राउट्स बने हुए हैं वहां पे हमने इंडेक्स को कह दिया एप डॉट गेट। एप डॉट गेट तो हमेशा यूआरएल से हिट होता है, एप डॉट पोस्ट यूआरएल से हिट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर पोस्ट एक गेट का भी बना लेता हूँ, एक पोस्ट का भी बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर दो राउट्स बना लिए, एक मैंने बना लिया एप डॉट गेट और एक दूसरा मैंने कौन सा बना लिया एप डॉट पोस्ट, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब मैं इसको अगर रन करूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, चेंज ऐसे करता हूँ कि इन द सेंस जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स है वो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एक्स के जो पोस्ट में रिस्पॉन्स मैंने चेंज कर दिया, ये मैंने पोस्ट में रिस्पॉन्स चेंज कर दिया। अब अगर मैं पोस्ट के जरिए से हिट करूंगा इस इंडेक्स वाले को, मिसाल के तौर पर ये जो एप डॉट जे एस है, इसके अंदर मैं हिट तो कर रहा हूँ, बट हिट के लिए मुझे यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने कि दो किस्म की रिक्वेस्ट आ रही है। नंबर वन, एक राउटर हमारा गेट मेथड का और दूसरा राउटर हमारा कौन सा है, पोस्ट मेथड का है। पोस्ट रिस्पॉन्स मैं इसको कह देता हूं, ये पोस्ट रिस्पॉन्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको दोबारा रन करने के बाद चेक करता हूं कि मेरी कौन सा राउट गेट या पोस्ट और किस वक्त रन होगा, ये सवाल पैदा होता है। मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ये मेरी एप्लीकेशन चल गई। इस वक्त मेरे पास दो किस्म के राउट्स बने हुए हैं इंडेक्स के लिए। इंडेक्स के लिए एक मेरा बना हुआ है गेट रिक्वेस्ट और दूसरा मेरा बना हुआ है, बेटा समझो ये पोस्ट रिक्वेस्ट। अब मैं लेट से यहां पे इंडेक्स के लिए गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, ये कौन सी रिक्वेस्ट गई, गेट रिक्वेस्ट। मैं इसको दिखाता हूं, जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा नेटवर्क में, आप अगर आओगे तो ये गेट मेथड है, नजर आ रहा है, ये गेट मेथड है। अब अगर तो मैं इसको पोस्ट मेथड की मदद से फेच करूंगा तो मुझे यहां पर ये वाला आउटपुट नहीं मिलेगा, मुझे कौन सा मिलेगा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स थ्रू पोस्ट मेथड मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको रिस्पॉन्स के जरिए पोस्ट के जरिए से कैसे हिट करेंगे। तो पोस्ट के हिट करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक एप्लीकेशन होती है पोस्टमैन। पोस्टमैन यूज किया आप लोगों ने कभी, तो मैं इसमें चेक कर लेता हूं कि अगर पोस्टमैन इसमें मौजूद है कि नहीं है। इसमें पोस्टमैन मौजूद नहीं है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पोस्टमैन क्या करता है, आपकी गेट के अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, गेट भी और गेट के अलावा और भी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, उसको पोस्ट के थ्रू सेंड करता है। मैं इसको डाउनलोड करके यहां पे इंस्टॉल करता हूं, आप लोग भी ये जरूर इंस्टॉल करें और इसके ऊपर टेस्ट करें। अभी ये साथ हम अपनी एपीआई को टेस्ट करने जा रहे हैं, दिस इज एन एपीआई। गेट रिक्वेस्ट मोस्टली एपीआई नहीं होती, बल्कि आप गेट रिक्वेस्ट पे भी एपीआई बना सकते हो। गेट रिक्वेस्ट पे ज्यादातर वेब पेजेस लोड होते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट पे ज्यादातर एपीआई लोड होती है। तो ये जैसे ही हमारा पोस्टमैन का सेटअप मुकम्मल हो जाता है, हम इस पे ये वाला पोस्ट रिक्वेस्ट डाल के देखेंगे। इसका सेटअप चला रहा हूं, आप लोगों ने ये पोस्टमैन जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लेना और इसका सेटअप चला लेना है। कितने लोगों ने आप में से पोस्टमैन पे पहले काम किया हुआ है जी, ऑटोमेशन के लिए, ये बेसिकली एपीआई टेस्ट करने के लिए यूज हो, टेस्टिंग के लिए यूज हो। देखो बच्चे, ये पोस्टमैन का डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका हुआ है, ठीक है।
अब हम यहां से न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे HTTP, ये न्यू रिक्वेस्ट हमारी चलेगी और हम इस रिक्वेस्ट मेथड कौन सा करने जा रहे हैं, पोस्ट। उससे पहले मैं देख लेता हूं कि मेरी एप्लीकेशन अभी तक चल रही है या नहीं चल रही, तो ये गेट रिक्वेस्ट है तो एप्लीकेशन चल रही है। अब मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजूंगा, ये देखें रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी जब आप एपीआई बिल्ड करते हैं, अब ये एक ही यूआरएल है, दोनों पे मुख्तलिफ किस्म के आउटपुट दे रहा है। ये देखिए मैं यहां पर अब गेट करता हूं, तो यहां पे आउटपुट क्या आ रही है, ये आउटपुट आ रहा है, यानी गेट रिक्वेस्ट पे ये आउटपुट आ रही है और पोस्ट रिक्वेस्ट पे ये आउटपुट आ रही है। इसका मतलब है हम रिक्वेस्ट टाइप की बेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के राउट्स बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा, आप तमाम बच्चों ने करना क्या है कि एक्सप्रेस जेएस के अंदर जिस तरह अभी मैंने एक जनरेटर के थ्रू एक एप्लीकेशन बिल्ड की है और उसके अंदर एक वेब पेज बनाया है अबाउट अस का, और उसके अंदर अब हम मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकते हैं। आई डोंट नो उस टाइम क्यों नहीं चल रहा था, अभी मैं चलाता हूं, मल्टीपल पैरामीटर्स भेजता हूं मैं। ये देखें अबाउट अस में गया मैं, यहां पे एक और पैरामीटर भेज रहा हूं नेम के साथ का, नेम और अपना नाम मैं भेज रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि नाम रेंडर हो रहा है किसमें, अबाउट अस में। अब मैं जब अबाउट अस के ब्लेड में आऊंगा तो मैं यहां पे H2 के अंदर अपना नाम डिस्प्ले करवा सकता हूं। तो ये स्पेसेस का थोड़ा आपने ख्याल करना है। तो अबाउट अस, मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ये देखें। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर जितने मर्जी पैरामीटर पास करवा सकते हैं, कहां पे, ये जो आपके अबाउट अस का राउट है यहां पे आप जितने मर्जी पैरामीटर पास करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोशिश ये करें कि नोड मॉन इंस्टॉल कर लें ताकि मैं बार बार सर्वर को स्टॉप और स्टार्ट करना ना पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नोड मॉन का तरीका आपको बता दिया जाएगा। वैसे नोड मॉन करना आता आप लोगों को? आप अपने पास नोड मॉन इंस्टॉल करिएगा और उसके बाद आप इस तरह प्रोजेक्ट रन करेंगे, आपको स्टार्ट स्टॉप करना नहीं पड़ेगा सर्वर साइड पर काम करने के बाद, क्योंकि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक दफा पूरा कोड कंपाइल होता है, तो जब वो पहले कंपाइल हो गया और बाद में आपने चेंजेस किए हैं तो फिर नोड सर्वर को रीस्टार्ट किए बगैर वो चेंजेस का इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे अभी आ रहा है। समझ आ रही है? तो उसके लिए अगर आप नोड बाउंड करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे नोड बाउंड उसको ऑटोमेटिकली करके उसके पीछे साथ ही सर्वर को रिस्टार्ट भी कर देगा, आपको यहां से यस या नो या सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं आज क्या एजेंडा लेकर आया था, मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को मैं एक्सप्रेस जेएस के बहुत सारे फीचर्स बताऊं। मिसाल के तौर पर अभी हमने ये देखा कि हम मुख्तलिफ रिक्वेस्ट टाइप की बेस पे मुख्तलिफ आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहां पर एक राउटर के अंदर मैंने चीज बताई अबाउट अस के अंदर, राउटर के अंदर सॉरी इंडेक्स के अंदर मैंने दो राउटर्स यानी दो मैंने रिक्वेस्ट टाइप्स बनाई हैं। अब आप रिक्वेस्ट टाइप्स एक और भी बना सकते हो, जैसे पुट या डिलीट। ये मैंने लिखा यहां पर, मैंने कहा कि ये पुट के लिए है और यहां पर राउटर डॉट पुट कर दें और यहां पे आप कह दें थ्रू पुट मेथड। और अब चूंकि ये चेंज हो गया तो मुझे अब थोड़ा सा इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। और यहां पे पोस्टमैन की मदद से यहां पे मैं पुट रिक्वेस्ट को भेजता हूं, रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स, पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजता हूं, रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स।
इसको मैं यूं कर देता हूं कि हमारा गेट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट आगे ये देखिए रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स थ्रू पोस्ट मेथड, और अगर मैं पुट मेथड को करता हूं तो ये देखिए थ्रू पुट मेथड, यानी एक ही यूआरएल है उसकी मेथड टाइप यानी रिक्वेस्ट टाइप की बेस के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के आउटपुट्स ले रहे हैं। अच्छा, इनका यूजेज कहाँ पे होता है? इनका यूजेज होता है कि जब आप लॉग इन लॉग आउट सिस्टम बनाते हैं तो आप डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट टाइप्स के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के बिहेवियर सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो एपी रेफरेंसेज है ना, असल में आज मैं ये चाह रहा था कि ये मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो थोड़ा सा मैं 10 मिनट 5-7 मिनट ऊपर लूंगा अभी आज, क्योंकि हम थोड़ी हमारी क्लास लेट शुरू हुई थी। तो बेसिकली अगर आप देखें एक्सप्रेस के अंदर आपको यहाँ पे इसके कुछ सब टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मेथड, एक्सप्रेस जेसन, एक्सप्रेस रॉ, एक्सप्रेस राउटर, एक्सप्रेस स्टैटिक, एक्सप्रेस टेक्स्ट और यूआरएल एनकोडेड है। उसके बाद अगर जब आप एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो एप्लीकेशन में आपको मेथड्स इसके मिलते हैं, यानी मेथड से मतलब फंक्शन। जैसे मैं आपको एक्सप्रेस के फंक्शंस बता रहा हूं तो इसके डिफॉल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं? जेसन, रॉ, राउटर, स्टेटिस्टिक, स्टैटिक, टेक्स्ट, ये सब क्या है? फंक्शन है। यानी अगर आप कोई आउटपुट जेसन में दिखाना चाह रहे हैं तो आप डॉट यानी एक्सप्रेस डॉट जेसन में जो भी प्रिंट करेंगे वो जेसन में आउटपुट दिखा देगा। यानी ये देखिए ये दिस वन, ये एक्सप्रेस का बिल्टन मिडलवेयर है जो कि बॉडी को पार्स करता है जेसन के साथ। समझ आ गई? यानी कोई भी इसकी इनपुट होगी आप जेसन के जरिए से आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं, यानी आउटपुट आपको जेसन में दे देगा। अगर आप रॉ में आउटपुट लेना चाहते हैं, राउटर में लेना चाहते हैं, स्टैटिक लेना चाहते हैं, टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको, या यूआरएल एनकोडिंग में लेना चाहते हैं आउटपुट, तो उसके मुताबिक आपको यूआरएल एनकोडिंग में मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन का पार्ट है। एप्लीकेशन के अंदर दो चीजें आपकी प्रॉपर्टीज में आती हैं, ऐप डॉट लोकेल्स और ऐप डॉट माउंट पाथ। और इवेंट में माउंट आता है और डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन हैं जो कि मेथड्स के उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक ऐप डॉट ऑल, ऐप डॉट डिलीट, ऐप डॉट डिसेबल, ऐप डॉट डिसेबल्ड, ऐप डॉट गेट। अभी जो आपने यूज किया, आपने देखा होगा, आपने ये वाला यूज किया ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट पोस्ट और ऐप डॉट गेट। तो जिस तरह इनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज हैं, उसी तरह ऐप डॉट डिलीट की भी फंक्शनैलिटी है, ऐप डॉट ऑल की भी फंक्शनैलिटी है। और इनको यूज कैसे करते हैं उसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल दी गई है, ऐप डॉट ऑल करके आप कोई भी यूआरएल डाल के, ठीक है, ऑल से मुराद ये होता है कि आप गेट पुट और पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहते, चाहे पुट से आ जाए चाहे गेट से आ जाए, तो तब ऐप डॉट ऑल यूज करेंगे। करके दिखा दूं, ये देखें, मिसाल के तौर पे हमने ऐप डॉट जेएस में ऐप डॉट ऑल कर दिए। अब यहां पे हम कोई भी पाथ दे सकते हैं यूजर्स, ठीक है, और यूजर्स के बाद हम किसके राउट करवाना चाह रहे हैं? यूजर राउट, यूजर राउटर पे, और इसको कमेंट कर रहा हूं मैं। तब वो क्या करेगा कि अब चाहे पुट रिक्वेस्ट आए, चाहे गेट रिक्वेस्ट आए, चाहे डिलीट आए, वो किसी को कंसीडर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट किसके थ्रू चलाएगा, वो हर रिक्वेस्ट से चला देगा इस राउटर के ऊपर, वो डिस्टिंक्ट नहीं करेगा। तो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं आपको ये जो एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूं
इसमें अगर आप आते हो एपीआई के अंदर, एक असाइनमेंट है, छोटी सी है, लंबी नहीं है। ये असाइनमेंट नंबर कौन सी है? 12। स्टडी एक्सप्रेस एपीआई। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है। अभी आप रिएक्ट बोले हुए हो सारा। ये मैंने आपको एपीआई की एक लिंक शेयर कर दी, आप इस पर जाओगे और यहाँ से कोशिश ये करना है कि आप इन एपीआई को ना सिर्फ स्टडी करो बल्कि रन भी करो। अच्छा, आप मुझे कैसे सेंड करोगे? सेंड मी द यूजेज स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट्स आफ्टर रनिंग द कोड, क्योंकि मैं हर बच्चे का कोड यहाँ पर डिप्लॉय करके रन नहीं कर सकता। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेनी है। इसमें से जितने भी आप एपीआई यूज कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंटेशन वर्ड की फाइल बनानी है, पीडीएफ की फाइल बनानी है। उसमें आप अपनी एपीआई लिखोगे, उसका यूजेज लिखोगे और आपको क्या समझ आई उसका लिख के मुझे एक आपने मिनिमम 10 APIs का यूज मुझे वर्ड फाइल में सेंड करना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो मैं APIs आती हूं। सेंड मी द यूजर स्क्रीनशॉट आफ्टर रनिंग द कोड एंड कंपाइल अ PDF डॉक्यूमेंट, ठीक है? यूज एटलीस्ट 10 APIs। अच्छा, इसकी जो ड्यू डेट है वो संडे तक है, रात 12 बजे तक, ठीक है? लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ये आपने उसकी एपीआई पढ़नी है। जितनी भी आपको समझ आती है, 10, 12, 15, 20, 25, जितनी भी आपको समझ आती है, आप उन एपीआईस को यूज करें और मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके भिजवा दें। तो फॉर टुडेज लेक्चर दैट इज इट। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? एक्सप्रेस जीएस को स्टार्ट हमने आज कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने रिएक्ट का मुझे क्विज चेक करवाना है। तो 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको दी हुई है। जी,